जी, अभी तक तो हमने देखा था कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस कैरी कर रहे हैं और कंडक्ट करा रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, डायबिटीज, हेल्थ इश्यूज, उनसे रिगार्डिंग. अब हम इंडिविजुअली ये सारे प्रोसेसेस जिसमें एंटी एजिंग है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और इसी तरह से मल्टीपल जो भी कंसर्न्स हैं या डिजीज़ हैं या फिर लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनमें किस तरह से अमाइनो एसिड्स पार्टिसिपेट करते हैं या रोल प्ले करते हैं, उनको हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे. और ये तमाम लिंक्स आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये तमाम लिंक्स एक्टिव लिंक्स हैं, आप इनको क्लिक करेंगे तो दे विल अपीयर इन द वेबसाइट, फुल फ्लेज वेबसाइट. और आप इन वेबसाइट से इन टॉपिक्स के अगेंस्ट प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करेंगे, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन के जो असाइनमेंट्स हैं उसमें ये इंक्लूड होंगे. अब ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशंस होंगी, मैं आप लोगों के ग्रुप्स बना दूंगी, और आप अगर आपके एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी ग्रुप्स, वो आप मेंशन कर दें CRGR, तो ये टॉपिक्स मैं आपको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी कि कौन से ग्रुप कौन सी प्रेजेंटेशंस देंगे. तो दिस इज़ द योर असाइनमेंट. एंड कमिंग मूविंग ऑन, इसके बारे में लाइटर सा हम इन अमाइनो एसिड्स के बारे में और इन लाइफ की जो प्रोसेसेस हैं या एक्टिविटीज़ हैं या अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, लेट्स से इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़, तो इसमें ये अमाइनो एसिड्स किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं. उसमें एंटी एजिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. इसमें आर्जिनिन और कार्निटीन, ये अमीनो एसिड्स मिल के क्रिएटिन बनाते हैं या फॉर्म करते हैं. तो ये नेचुरल स्किन फंक्शंस को सपोर्ट करती है ये क्रिएटिन, ये डाइपेप्टाइड लेट्स से, एंड द सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस मोर कोलेजन एंड इलास्टिन. अगर आपने कभी देखा हो, कभी किसी की सर्जरी होती है, किसी भी तरह से कहीं पे भी स्किन को कट अगर लग जाता है, तो अगर हीलिंग इजीली हो जाती है तो इट मींस वहाँ पे कोलेजन और इलास्टिन की लाइक कंसंट्रेशन या इनफ अमाउंट में है उस पर्सन की स्किन में. तो एक्चुअली वो कहाँ से आ रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द डाइपेप्टाइड दैट इज़ क्रिएटिन. और इसी तरह से पहले भी बात हुई है ग्लूटामीन, जो कि एंटी एजिंग सब्सटेंस है, गाबा भी जिसमें मेरे ख्याल से हमने देखा था, तो दैट इज़ द एंटी ऑक्सीडेंट, इट रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस एंड फर्म्स द स्किन. सो ग्लूटामीन इट हेल्प्स इन एंटी एजिंग लॉन्ग विद क्रिएटिन. एंड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक्चुअली जॉइंट्स और बोन्स की डिजीज होती है. अब इसमें सल्फर इज द ऑर्गेनिक सल्फर जो कि ज़रूरी होता है बोन्स के लिए, तो ये आता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जो कि मिथानिन है वहाँ से, और दैट्स व्हाई मिथानिन इज ट्रीटेड एज और कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट कार्टिलेज फॉर्मिंग सब्सटेंस. आर्जिनिन सपोर्ट करती है, सिमिलरली सपोर्ट्स द क्रिएशन ऑफ बोन. बोन की क्रिएशन में आर्जिनिन भी मेजरली पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये दोनों किस इस तरह से आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए. कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ के लिए अगेन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर रही है आर्जिनिन अमाइनो एसिड इंडिविजुअली, एंड अगेन आर्जिनिन इज आल्सो यूज इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड फॉर प्रमोटिंग द इंसुलिन एब्जॉर्प्शन विद इन द बॉडी. सो फॉर बोथ पर्पसेस, फॉर द फॉलोइंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड फॉर प्रमोटिंग द इंसुलिन एब्जॉर्प्शन, ये आर्जिनिन यूज़ की जाती है. फैट बर्नर और हेयर लॉस में फैट बर्निंग के लिए ग्लूटामीन, विच इज ऑल्सो द एंटी एजिंग अमाइनो एसिड, इट काउंट्रैक्ट्स द स्टोरेज ऑफ डायट्री प्रोटीन फैट्स एंड दस हेल्प्स रेगुलेट द वेट. आर्जिनिन जो है ये बूस्ट कर रही है हेयर ग्रोथ को सिमिलरली, सो आर्जिनिन इज क्वाइट इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड फॉर एज इंडिविजुअल अमाइनो एसिड फॉर बायोलॉजिकल फंक्शंस.
The last one is sleep, mood and performance. और इसके लिए मेजर जो अमीनो एसिड यूज हो रहा है वो ग्लूटामीन है. इट इज इन्वॉल्व इन मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. इट स्टेबलाइजेस द इम्यून सिस्टम, इट स्ट्रेंथन्स द इंटेस्टाइनल सेल्स एंड हेल्प्स अगेंस्ट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एट्सेट्रा. सो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वन लिखा हुआ, ये भी आई गेस यू कैन फाइंड द लिंक विद दिस. इट इज़ एक्टिव, दिस वन इज ऑल्सो एक्टिव. एंड जब आपको इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन गो टू द वेबसाइट्स जहाँ पे इनकी डिटेल्स होंगी. इवन अगर यहाँ नहीं है तो आप ये हेडिंग स्लिप के गूगल से सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा अमीनो एसिड कौन से फंक्शंस प्ले कर रहा है. और जैसे ही मैं आप लोगों को अनाउंस करूँ ग्रुप्स में टॉपिक्स, तो आप लोग इसको प्रॉपरली देखेंगे और प्रिपेयर करके हमें भी इंफॉर्मेशन देंगे और ऑथेंटिक वैलिड इंफॉर्मेशन. तो अभी तक के लिए इतना ही. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए मैं आपको ये टॉपिक्स असाइन कर दूँगी.